नमस्कार आप सत श्रीकाल दोस्तों, मैं डॉक्टर शाइस्ता खान आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं वन ईयर मेरिडियोलॉजी कोर्स बाय एचएचओ में। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं एल आई मेरिडियन के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एल आई मेरिडियन के पॉइंट नंबर 9 के बारे में, यानी कि जो एल आई 9 है कहाँ होती है इसकी लोकेशन और किन किन डिजीजेस में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो आता है वो आता है, आपको पहले भी मैंने एक वर्ड, नया वर्ड हम लोगों ने सीखा था, वो था बॉर्बोरिगमस। जो आंतों की आवाज़ें होती हैं उसके लिए वो यूज़ किया जाता है, तो इस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, या पेट में से भी जो आवाज़ आती है, दोनों के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। ये वर्ड उसके लिए आप एल आई 9 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक प्रोटोकॉल बना सकते हैं, एल आई 9 को भी यूज़ कर सकते हैं और एल आई 8 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपके पास दो बिंदु आ जाएंगे जिनसे और अच्छे रिजल्ट्स आप दे पाएंगे। साथ ही साथ अगर अपर लिम्स में मतलब के प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो, या किसी भी तरह के पैरालिसिस की कोई इश्यूज आ रहे हो, उसमें आप एल आई 9 का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हाथ में और आर्म में, यानी कि बाजुओं में दर्द है बहुत ज़्यादा, तो उसमें आप एल आई 9 का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी सारे डिजीज़ में आप एल आई 9 का इस्तेमाल कर पाएंगे। कहाँ होती है इसकी लोकेशन? एल आई 11 से, हमारा एल आई 11 यहाँ होता है, यहाँ पे जहाँ पे हमारी क्रीज बनती है ऐसा करने से, ये हमारा एल आई 11 होता है। इससे तीन कुन नीचे की तरफ, यानी कि इस पार्ट में होता है हमारा एल आई 9। आप देख भी पा रहे होंगे, तो आप अच्छे से डिटेक्ट कर पाएंगे और अच्छे से इसको लोकेट कर पाएंगे कि कहाँ पर है उसकी लोकेशन। तो इस तरीके से अगर आप एल आई 9 का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जिन डिजीजेस के बारे में मैंने आप सबके साथ शेयर किया है उसमें आप बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ एब्डोमिनल पेन में भी आप बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं एल आई 9 से। एब्डोमिनल पेन 2-3 बार रिपीट हो चुका है, एल आई 8 में भी रिपीट हुआ था, एल आई 7 में भी रिपीट हुआ था। तो इसका एक सिंपल सा एक मतलब ये होता है कि जब एक ही बिंदु या एक ही बीमारी कई बार इस्तेमाल में आ रही है, लाइक अलग अलग पॉइंट्स में बार बार रिपीट हो रही है, तो वहाँ आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ आपको एक प्रोटोकॉल बनाने की ज़रूरत है। यानी कि अगर आप एक बिंदु से उपचार करने वाले, तो उसकी जगह आप एक और ऐड कर लीजिए, एक और ऐड कर लीजिए, तो आपका एक प्रोटोकॉल रेडी हो जाता है। और जब हम लोग प्रोटोकॉल से वर्क करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम लोग दे सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टिप थी इसलिए, ताकि अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो और अच्छे से इम्प्रूवाइज कर सके अपनी प्रैक्टिस को। और अगर आप प्रैक्टिस में नहीं भी हैं, आप सिर्फ ये वीडियोज़ इसलिए देख रहे हैं कि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को हेल्दी रख सके, तो भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि जब मैं पॉइंट की लोकेशन बताती हूँ या पॉइंट बताती हूँ किस तरीके से आपको प्रेस करना है, क्या करना है, तो आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि यस, अगर ये डिजीज़ वहाँ भी रिपीट हुई थी तो हम इन दोनों को मिलाकर इलाज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे पाएंगे अपनी किसी भी ट्रीटमेंट में, बहुत अच्छे से लोकेट कर पाएंगे आप के वो बिंदु कहाँ पर है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, अगर रही है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, बी हेल्दी, बी होलिस्टिक। जय हिंद।